चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। हेलो राम राम जी। मैंने पी भी ली चाय थोड़ी सी तो पी। वन ब्राउन ने खा रही लस्सी के साथ रोटी। और ये पूजा हमने कर ली है, लेकिन किताब पढ़ ली माता रानी की और आरती कर ली। और ये प्रसाद है, अब ये प्रसाद सबको बांट देंगे। केले का और पंचमेवा का प्रसाद रखा था, आप सब भी खा लें देवी माता का प्रसाद। और ये देखो ब्रोनी के साथ खेलते हुए पारस, रात में भी इसने सोन नहीं दिया। पता नहीं क्या टाइम हो गया होगा, जब भी शोर मचा रही फिर अपने अलावा लेके बैठे से ये सारे बैठे हम जब टिकी। और इधर माता जी दूध पी रही और मम्मी ना नुला रही पौधों को कंटे से। दोबारा हरे होने लग रहे पौधे, गुड़ल के पत्ते आ गए सारे पत्ते, गंदे के भी अच्छे हो गए। नजर ना लगावे ये नहीं हुआ बस अभी। और ये देखो एलोवेरा का पेड़ कितना बड़ा हो गया, लेकिन हम इसको कोई यूज नहीं करते। बस एक दिन पारस भैया ने इसकी ये वाली पत्ती काटी थी, मम्मी ने और भैया ने लगाया था बाड़ों में, उसके बाद फिर लगाया ही नहीं। ऐसे ही बढ़ता जा रहा, इतनी बड़ी बड़ी हो गई इसके। और आज ब्राउनी ना रही है ना, तो ले पहले फेरी झाड़ ली है। देखो ये हमारी बरौनी पागल होगी ना, कह दे कहाँ जा रही है बे। तौलिया बिछाया था ना नीचे बैठ जाएगी इस पे। ठीक है देखिए देखिए देख क्या मस्ती कर रही, नहा ली ना, ठंड पड़ेगी गात में। बरौनी ले क्या हो रहा तेरे को, बैठ जा नीचे इस पे, नीचे बिछाओ ये अपने, बिछा ले अपना कपड़ा। ए चुड़ैल देखिए पारुल पी लिया इधर सूप, ये भीम ने मंगवा के रख लिए, पीता है नहीं। और इधर माता जी पी रही और पारस ने बरौनी को नहलाया, अब वो बाथरूम साफ कर रहा है। और बरौनी देखो पागल हो रही कदई। और आज बन रहे हमारे करेले, ये पारुल करेले तल रही है, देखिए तल देंगे फिर प्याज डाल के, हमने प्याज तल लेगी फिर ये करेले डाल देंगे। और मेरे लिए मैं आलू रखे, मैं अपने लिए आलू और पूरी बनाऊंगी व्रत में। और आज बनाई मम्मी ने व्रत के लिए सौमक की खीर और सूखे आलू की सब्जी और साथ में दही। और अब पूरी बनाएंगी कुट्टू की, और अब बना रही है मम्मी कुट्टू की पूरी। घी गरम हो गया है और ये पूरी घी में डाल दी और ये बन गई है पूरी कुट्टू की। और ये दूसरी भी बनने लग रही इधर। और ये माता रानी के भोग का प्रसाद निकाल दिया, सामक की खीर दही आलू और पूरी। अब माता रानी का भोग लगा के आएंगे मम्मी। और ये प्रसाद मैंने यहाँ मंदिर में रख दिया, भोग लगाऊंगी माता रानी का, पहले खीर और पूरी का। खीर का भोग लगाते हैं माता रानी को। जय माँ वैष्णो देवी। भोग लगा दिया मैंने। और ये व्रत का खाना बनकर तैयार है, देखिए कितना अच्छा लग रहा सब कुछ। खीर है, आलू है, दही है,
और पूरी है। मम्मी खाना शुरू करेंगे अब। जिनका व्रत हो वो आकर खा सकते हैं। और अब मम्मी भैया के बेड की चद्दर चेंज करेंगे। ऐसी चादर नहीं बिछवाते हैं कोई सा भी, है ना, बिल्कुल सुती सी प्लान सी ऐसी चाहिए जो चुभे ना। और ये मम्मी ने चादर बिछा दी दूसरी, ये वाले बिछाई भैया के बेड पे। देखिए कितनी अच्छी लग रही। और अब बना रही हूँ मैं चाय मम्मी के लिए, बनी गई है समझो चाय इलायची वाली। और आज बनी है व्रत में सामक के चावलों की खिचड़ी और साथ में है दही। 7 बजने वाले हो रहे हैं, टाइम भी बहुत हो गया। इसी टाइम खावा है मम्मी शाम को। उधर माँ खा रही हैं खिचड़ी दही के साथ। और दोस्तों हम ऑफिस से आ गए हैं और मम्मी अनानास काट दो, मन कर रहा है। तुम काटो, मेरे तो भर दा, तो मेरे जी हो रहा है, बीपी लो हो रहा मेरा। बीपी लो हो रहा? हाँ। लो हो रहा तो ना खाओ, उससे बीपी हाई हो जाता है। पावल खाने में क्या बनाया? नमकीन चावल। चलो सही है। आप ब्राउनी क्यों रूस रही है? तो इसे याद कर रही है, हम तो सब यही हैं। है ब्राउनी बोलती भी नहीं, रूसी पड़ी। खाना खा लिया अम्मा? क्या खाया खाने में? सम्मक के चावल। सम्मक के चावल? चावल तो नुकसान नहीं करेंगे तेरे? नहीं ऐसा तो लग रहा तुम्हारी आवाज़ से, आज फिर मुँह से उतर गया, कुछ गड़बड़ तो है। आहो बर्फी खाई है? अच्छा बर्फी भी खा ली? शुगर में देखो दोस्तों माँ जी बर्फी खाती है। खजूर भी खाई, बर्फी भी खाई। खजूर तो खाई। कुछ हो थोड़ी रहा उसे? हो क्यों नहीं रहा? कल परसों तो तेरी बीमार हो रही थी माँ। इब कह रही मैं तो। अब कुछ ना, मुझे तो लग रहा हरा था। आहो आहो जवानी नहीं, गाल तो लाल हो जा माँ खा खा के तेरे। पर फल फ्रूट खा कर, बस चिन्नी विन्नी की कुछ भी चीज, आलू पालू चावल पावल कुछ नहीं मत खाया करो। अभी तो आपने बोला सामक के चावल खाए, बहू को क्या पता, चावल तो चावल जो है हल्का खाना हुआ है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा चलो जी। और लीजिए दोस्तों डिनर में आज पुलाव, और देखिए कितना अच्छा बना रखा है, और अभी गर्मा गर्म है, तो आइए मेरे साथ खाइए। और मम्मी जी आपने खा ली रोटी? क्या खाया? सम्मक के चावलों की खिचड़ी। आज कैसे मूसा उतर रहा? बनाती थी पकोड़े, पर वो नहीं खाया, आलू नहीं थे, ना पनीर था, ना पनीर लेकर आया, पनीर के बना ले, पनीर भी तो ठीक रहा है। अरे आपने आलू का तो आलू लिया है, और पनीर बोलते पनीर भी लाते, मना किसने करे थे? तो गलती आपकी ना, आपने बोला एक बार भी। कल को क्या बनेगा? आलू टमाटर बना देंगे। आलू टमाटर बना देना। नहीं बैंगन है ना? नहीं आलू टमाटर। अरे मैं क्यों लेकर आए फिर तुम इतनी दूर से? मैं मेरे तो पता है ना, बढ़िया लग रहे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। बैंगन का भरता बना दियो ना। अरे वो सफेद है, तुझे पता भी नहीं चलेगा, बढ़िया लगेगा। अरे इधर पापा जी खा रहे हैं खिचड़ी, और माँ जी देखो मेरे लिए चीज लाई, लेज के चिप्स। तो आइए दोस्तों आप भी खाइए। और आप सोच रहे होंगे कल तो मैंने खिचड़ी रखी है और चिप्स भी खा रहा हूँ, एक्चुअली चिप्स मैंने पहले मंगाई थी, खिचड़ी बाद में आई, लेकिन माँ जब तक तो खिचड़ी आ गई फिर मेरे पास चिप्स आए, मतलब चिप्स पहले थे लेकिन आए बाद में। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।